परिणामा पंच और उसका कारण है कि पिछले 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है केंद्र में और 15 साल से दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की सरकार रही है और ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए, देश का तो असुरक्षा और अर्थव्यवस्था का मुद्दा है लेकिन दिल्ली के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शहरीकरण का मुद्दा है और उस शहरीकरण के मुद्दे में सड़क, बिजली, पानी और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो सबसे पॉश इलाके हैं और जो सेवा बस्तियां हैं सब जगह एक ही किस्म की दिक्कतें हैं। इसलिए मैंने अपनी कैंपेन का नाम पंचनामा रखा है लेकिन अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग PUNCH की है और उसका कारण है कि जिस तरीके से सुधार होना चाहिए था वैसे सुधार नहीं हुआ और खासतौर पे मेरे संसदीय क्षेत्र से जो व्यक्ति यहाँ पर 2 बार MP रहे हैं वो पूर्व में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर या शहरी विकास के मंत्री भी रहे हैं और दिल्ली में कितना शहरी विकास हुआ है ये देखने वाली बात है। जहाँ पर MCD स्कूल की तस्वीर लगा के ये कहा जाता है कि ये सेकेंडरी स्कूल की तस्वीर है, उनका पैम्फलेट झूठा है और मैं उसके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन में चिट्ठी भी भिजवाने वाली हूँ। मैम ये बताइए कि मतदाता बीजेपी को भी या नरेंद्र मोदी या मीनाक्षी लेखी को भी आप जनता के लिए क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज? बहुत एक छोटा सा मैसेज है एक लाइन का कि जनता का पैसा जनता के कार्यक्रमों पे खर्च किया जाएगा, किसी की प्राइवेट जेब में नहीं जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि वो खर्च ही ना किया जाए। जैसे मातन साहब ने MPLAD स्कीम के तहत 1 रुपया नहीं खर्चा और वापस पंचनामे पर चले तो 5 हिस्से हैं। पहला है जहां भय वहां सुरक्षा, जो कि महिला सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरा विषय है जहां झुग्गी वहां मकान, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय है जिसमें मोदी जी पहले भी कह चुके हैं कि 100 स्मार्ट शहर हम सैटेलाइट शहर बनाना चाहते हैं ताकि जिस तरीके से जनता इधर आ रही है उनके रहने की बेहतर सुविधा, बुलेट ट्रेन वगैरह जिसके थ्रू वो कनेक्टिविटी बढ़े। तीसरा है जहां अंधकार वहां रोशनी, जो बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चौथा है जहां प्यास वहां पानी और 5वां है जहां गरीबी वहां रोजगार। और अगर ये 5 मुद्दे देश के तय हो जाते हैं तो आप दिल्ली नहीं पूरा देश बदल सकते हैं।